आर्यन लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग कूलर्स एंड द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ये देखो यहाँ पे चालू कार्य सबका वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, 1 अप्रैल का दिया है, यहाँ पर भी देखो 1 अप्रैल का दिया है, मूल लागत दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग, ये देखो। तो याद रखना जब ऐसा क्वेश्चन हो तो जब 1 अप्रैल होगा जिसमें वो होगा ओपनिंग स्टॉक, और जो 31 मार्च होगा वो होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। बस डेटा पुट करनी है इस क्वेश्चन में अपने को, स्टेटमेंट बनाओ पर्टिकुलर करके। देखो पर्टिकुलर लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सबसे पहले जो ओपनिंग स्टॉक आता है वो किसका आता है, रॉ मटेरियल का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये देखो यहाँ पे ब्लैक से लिख कर रही हूँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 अप्रैल 2,05,000, इसमें ऐड करेंगे 2,05,000, क्या प्लस करते हैं इसमें, ऐड परचेज, परचेज देखो कितना दिया है, यहाँ ऊपर में दिया होगा, नहीं यहीं पे दिया, देखो परचेज ऑफ कच्चे माल का 497,000, यहाँ पे ना ऊपर पे अलग से ऐसे दिया है, देखो हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ये देखो ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये ऊपर दिया है यहाँ तक, नेक्स्ट पेज के फर्स्ट में देखो 497,000, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल आएगा अपना 7,02,000। फिर देखो ओपनिंग है तो इसमें माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो देखो ये रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है यहाँ पे, देखो सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया है 2,04,000, तो 2,04,000, तो ये इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल भी लिख सकते हो, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4,98,000। फिर इसमें ऐड करते हैं अपन लेबर, तो डायरेक्ट लेबर देखो कितना दिया है इसमें आपको, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये वाला प्रत्यक्ष श्रम डायरेक्ट लेबर 1,71,000 दिया, 1,71,000, ये देखो, तो ये इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,71,000, ऐड करो कितना आ रहा है 6,69,000। अब देखो फिर ये तो देखो ये प्राइम कॉस्ट पे भी दिया है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ये देखो यहाँ पे सर्कल कर रही हूँ मैं, ब्लू पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, देखो एक सेकेंड जो पुराना हाईलाइट है उसको हटा रही हूँ, अब देखो अब एक चीज देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस दिया है ब्लू से, देखो हाईलाइट कर रही हूँ, 1 अप्रैल 2013 को मूल लागत पर एट प्राइम कॉस्ट कितना दिया है 51,000, सबसे स्टार्टिंग में दिया, तो ऐड करेंगे एट प्राइम कॉस्ट दिया, देखो रॉ मटेरियल में जब डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं तो वो होता है अपना प्राइम कॉस्ट, तो वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, तो 51,000 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखो 7,20,000, और फिर इसमें लेस कर देंगे, ये था ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चला, डेट से, 1 अप्रैल की डेट थी, सेम क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस एट प्राइम कॉस्ट, देखो कितना है यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस, देखो ये रहा, फिर से देखो हाईलाइट कर रही हूँ ब्लू से, ये देखो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 45,000, ये देखो ये रहा एट प्राइम कॉस्ट 45,000,
तो ये हो गया अपना प्राइम कॉस्ट। तो आंसर कितना है? 6,75,000। फिर क्या ऐड करेंगे इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होगा अपने पास। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखो नेक्स्ट पेज में सबसे फ्रंट पे दिया है, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ₹25,000, ये देखो पिंक से हाईलाइट किया मैंने। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है अपना ₹25,000। 25 दिया है मैम, दो अमाउंट दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का, एक में, 20,000 है ट्वेंटी और नहीं एक 25 84,000 है। दिया है। यस मैम, दो दिया है। हाँ दोनों आएगा। वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ना, रुको एक सेकेंड, मेरे में 25 क्यों दिया है क्वेश्चन में? मैम 25 भी दिया है और 20,000 भी दिया है मैम। दोनों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है। 20 कहाँ दिया है बेटा मेरे में? तीन अमाउंट है मैम मैन्युफैक्चरिंग हाँ एक्सपेंसेस के मैन्युफैक्चरिंग का जिसमें। तीन अमाउंट है। देखो जो 20 वाला है वो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। देखो इधर नीचे कर रही हूँ मैं, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये देखो ये देखो ये वाला जो मैन्युफैक्चरिंग, देखो मैं तीन अमाउंट क्यों दिया है उसमें समझो। देखो ये मैं पूरा वो कर रही हूँ, देखो हाईलाइट कर रही हूँ, आप देखना उसमें ये वाला। देखो ये 1 अप्रैल 2013 जो दिया है, ठीक है, ये देखो ये जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 अप्रैल 2013 दिया है, इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है ये है अपना ओपनिंग। आया समझ में? ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यस मैम। अब यहां पे जो दिया है कच्चे माल का स्टॉक 31 मार्च 2014 पे, ये सॉरी रुको इस तरफ वाला, ये तो रॉ मटेरियल का था, यहाँ पे आएंगे अपन एक सेकेंड, ये 31 मार्च 2014 वर्क इन प्रोग्रेस ये दिया है, ये 20,000। तो ये है अपना 31 मार्च 2014 वाला क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, तो जो ये वाला है कौन सा? 25,000 वाला, ये ओपनिंग 20,000 वाला क्लोजिंग। अब देखो यहाँ पे एक और दिया है, क्लोजिंग क्लोजिंग हो गया ओपनिंग हो गया। अब ब्लू पेन से कर रही हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये जो परचेज दिया है, ये परचेज तो राइट साइड में, तो ये वाला जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस परचेज वाला है 84,000। आया समझ में? एक्चुअली क्या है वो पेज अलग अलग हो गया ना, तो सीक्वेंस में गड़बड़ हो रही है। आप देखोगे राइट साइड वाला परचेज है तो देखो उसमें परचेज में दिया है, लेफ्ट साइड में देखो ऊपर ओपनिंग है नीचे क्लोजिंग है। वो एक्चुअली क्या है, पेज बुक में ऐसे था ना इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो ये देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है परचेज वाला है 84,000। तो ये हो गया अपना 84,000 परचेज। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना? 25,000। टोटल करो 7,84,000। सेवन और लेख हाँ, और इसमें माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का, तो ये आएगा अपना 7,64,000। आया 7,64,000 प्लस करने से?
मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना इसका आंसर. अरे यार आप लोग टोटल करो इसका, इन दोनों का ये सॉरी माइनस करो तो ये आएगा 7,64,000 फैक्ट्री कॉस्ट. यस मैम उतना ही आ रहा है. आ रहा है ना इतना? ठीक है नोट किया सबने? यस मैम. ठीक तो ये सिलेक्ट करके रखना क्वेश्चन. अब ना इसके बाद वाले सेम वैसे ही हैं. देखो ये स्क्रीन पे देखो 26 नंबर वाला ये देखो. ये ना इसलिए करवाया ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वे में दिया था. क्लियर करूं मैं पूरी स्क्रीन को? सबने नोट किया हो तो? यस यस मैम. कर लिया ना? चलो अब देखो एक चीज दिखा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना ना. अगर किसी के पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीन पे है. ये देखो ये 1 मार्च का दिया है, ये 31 मार्च का है. ये देखो ये ओपनिंग स्टॉक दिया है यहाँ पे, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक. सेम परचेज मटेरियल दिया है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस दिया है. देखो अगर वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ नहीं दिया है तो ये कौन सा वाला रहेगा? फैक्ट्री कॉस्ट वाला. फिर ये देखो ये फिनिश्ड गुड्स वाला दिया है. फिनिश्ड गुड्स वाला बताया है ना कब आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद. फिर नीचे देखो प्रोडक्टिव वेजेस अनप्रोडक्टिव. तो ये वाला क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है. ये प्रोफॉर्मा में ऐड करेंगे तो जल्दी जल्दी बन जाएगा. किसी को पूछना है इसमें कुछ? ये वाले 26 में तो पूछो. मैम इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक अगर साथ में लिख करके प्लस माइनस कर देते हैं तो भी सही होगा ना? साथ में कैसे बोल रहे हो बेटा? देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जैसे सपोज जैसे अभी किया था ना मैंने ऐड, फिर नीचे लेस, ऐसे ही करना है सीक्वेंस से. ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पहले ऐड करेंगे, ऐड का टोटल करेंगे, उसमें क्लोजिंग स्टॉक करेंगे. किसका डाउट मोनिका? मैम स्टॉक में तो परचेस जाएगा इसलिए ऐसे करेंगे. नहीं ऐसी कोई बात नहीं मैम, स्टॉक में तो परचेस. हाँ, अगर परचेज नहीं तो मैं वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का बोल रही थी, अगर साथ में करेंगे हाँ प्लस माइनस. हाँ लेकिन वो नहीं चलेगा मैम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का. हाँ बेटा कोई, हाँ मैं समझ गई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस तुम बोल रही हो. वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको क्या है इसमें कॉस्ट शीट में रूल है कि हमको सिंगल सिंगल कॉस्ट ऐड करनी पड़ती है. क्यों? क्योंकि हमको कॉस्ट पर यूनिट दिखाना पड़ता है. अगर तुम ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर देती डायरेक्ट किसका? मैन्युफैक्चरिंग का, तो किसका पर यूनिट कितना है वो तुम नहीं बता पाओगी. इसलिए उसमें सिंगल सिंगल ऐड करते हैं हर एक चीज को. आया समझ में? ओके मैम. सिंगल सिंगल ऐड करना ना, बिल्कुल शॉर्टकट मत लेना. यस मैम. हर एक चीज का कॉस्ट पर यूनिट बताना पड़ता है. हाँ ये वाला जो क्वेश्चन किया हमने अभी 25th, उसमें ना कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकाला क्योंकि यूनिट्स ही नहीं दिए थे. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस सीक्वेंस को वो कर दें. ठीक अब नेक्स्ट इसमें देखो ये वाला बन जाएगा 26th वाला. 26th बन जाएगा सबसे? यस मैम. चलो नेक्स्ट देखो. यस मैम. 26th सेम है, 27th भी सेम है. अब नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर देखो आप लोगों के बुक में दिया होगा 32 या 33 के आसपास देखो दिया होगा. आयरन फाउंड्री वाला 21,000 अमाउंट होगा ओपनिंग स्टॉक. आयरन फाउंड्री देखो
32-33 में कुछ ऐसे दिया होगा। यस मैम, क्वेश्चन रीड करो और इसको सिलेक्ट करके रखो मोस्ट इम्पोर्टेंट करके। क्वेश्चन रीड करेंगे सब। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे? यस मैम। यस मैम। है ना? चलो स्टार्ट करो बनाना। स्टेटमेंट बनाएंगे अपन। पहले क्वेश्चन समझो, इसमें ना कुछ कुछ कैलकुलेशंस है, उसकी अमाउंट बता रही हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कैसे करना है। उसमें एक मिनट रुको। देखो एक आयरन फाउंड्री है, उसका स्टेटमेंट दिया। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना, 21,000। फिर क्या दिया है देखो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है, 1,50,000। तो 21,000 और 1,50,000 हो गया परचेज। तो टोटल करो तो कितना आएगा, जल्दी जल्दी टोटल करते जाओ बेटा, सब टोटल करके अमाउंट बताएंगे मुझे। अब देखो फिर क्या नीचे दिया है, देखो क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस करेंगे उसमें क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 15,000 से, तो कितना आएगा देखो, 1,56,000 आ रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा यहाँ तक। तो फिर देखो इसमें क्या ऐड करते हैं अपन, ये देखो नीचे डायरेक्ट वेजेस दिया, ये 30,000, ये ब्लर हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे तो मैं बता देती हूँ, सॉरी एक सेकेंड, डायरेक्ट वेजेस दिया है 30,000। हाँ तो ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस 30, तो टोटल कितना हुआ देखो, 1,86,000। ये हो गया अपना प्राइम कॉस्ट। फिर देखो क्या दिया है इस पे नीचे, देखो वर्क ओवरहेड कितना दिया है, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, यानी ऐड करेंगे उसमें वर्क ओवरहेड, यानी क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड, कितना दिया है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो डायरेक्ट वेजेस अपना कितना दिया है, 30,000, तो 30,000 का 50% कितना हो जाएगा, 15,000। ये देखो ये है 30,000 है ना, 50. तो 30,000 का 50/100। फिर क्या ऐड करने बोला है देखो इसमें, स्टोर्स ओवरहेड, ये देखो स्टोर्स ओवरहेड दिया है
तो ये भी ऐड करेंगे. स्टोर्स ओवरहेड कितना दिया देखो, 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, सामग्री की लागत का 10%. तो 10% ऑन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखो कितना दिया है इसमें अपना, ये देखो 1,56,000. ये आया आया समझ में? ये देखो ये वाला रॉ मटेरियल. यस मैम. 1,56,000 है. तो इसका कितना लेंगे अपन, 10% यानी 1,56,000. तो ऐड कर दो 1,86,000, 15,000 और 15,600 को. ऐड करो जल्दी से. 2,16,600 यही आ रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो क्वेश्चन आप ध्यान से बना. अब मेन चीजें यहीं पे. तो ये देखो ये जो आया इसको लिखेंगे अपन टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट. टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रॉस आउटपुट, क्योंकि यहां पे देखो यहां तक दिया. अब नेक्स्ट देखो 10% देखो आयरन फाउंड्री है ना, तो आयरन देखो लोहा पिघला के बनता है ना आयरन. तो 10% ऑफ द कास्टिंग वेयर रिजेक्टेड, ठीक है. तो 12% जो कास्टिंग है कितना 10% उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं था, ठीक है. और एंड सम ऑफ 1200 वाज रियलाइज्ड ऑन द सेल एज स्क्रैप. तो उसको बेचने से कितना मिल रहा है, 1200 रुपए मिल रहा है. तो इसको लेस कर देंगे सेल ऑफ रिजेक्टेड कास्टिंग कितने का, 1200 का. अब देखो इसमें एक मैं दूसरा कॉलम बना रही हूं, है ना, यहां पे आप समझो. फिर नीचे नेक्स्ट देखो, तैयार कॉस्टिंग का 10% खराब पाया गया व उनके दोष को दूर करने के लिए. अब देखो ये जो 10% ऑफ कास्टिंग था, ये पहले वाला देखो, इसको जो रिजेक्ट किया ये कितने में मिला था, 1200 रुपए मिला. तो इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया. अब देखो टोटल ग्रॉस आउटपुट क्वेश्चन में देखो कितना दिया था, 1000 टन था यहाँ पे देखो. तो ये जितने के लिए भी था, ये कितने के लिए था, 1000 टन के लिए था. अब इस 1000 का 10% जो खराब हो गया था उसको हमने 1200 में बेचा यानी 100. यानी ये जो कॉस्ट, ये जो अपनी कॉस्ट आई ये कितने के लिए आई, 900 के लिए आई. इसको माइनस करो, 216600 को 1200 से माइनस करो. 216400 ना, 216 तो ये आएगा बेटा. यस मैम. 215400. अब नेक्स्ट देखो ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड कॉस्टिंग. अब नेक्स्ट वाला देखो, ये वाला 10% वाला हो गया. अब नेक्स्ट 10% वाला देखो, तैयार कास्टिंग का 10% खराब पाया गया व उनके दोष को दूर करने के लिए अतिरिक्त कारखाना व्यय किए गए, ठीक है. तो जो वो और 10% देखो जो वेस्ट आ रहा है, एक्स्ट्रा जो 10% वेस्ट आ रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके दोष को दूर करने के लिए. देखो अब ये ना और 10% लेने के लिए रेडी नहीं है. यहाँ पे हमने ये 10% लिया तो कितना बचा, 900. अब बोलता है उसके दोष को दूर करने के लिए, इट मीन्स अब वो और 900 में 10% माइनस करने के लिए रेडी नहीं है. अतिरिक्त कारखाना व्यय किए गए यानी एडिशनल कारखाना व्यय कर रहा है, मतलब अतिरिक्त कारखाना व्यय मतलब एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड करना चाहता है कितने का देखो, जो कि प्रत्यक्ष श्रम का 20% अनुपातिक था. तो डायरेक्ट वेजेस का 20% लेना है लेकिन प्रपोर्शन में अनुपातिक में लेना है. देखो 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग वेयर फाउंड टू बी डिफेक्टिव इन मैन्युफैक्चर्ड एंड वेयर रेक्टिफाइड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एडिशनल वर्क ओवरहेड चार्जेस
टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑन द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस. तो एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड करना पड़ेगा, तो अब ऐड करना एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड कितना लेना है, 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेज. मतलब डायरेक्ट वेज का 20% तो लेना है लेकिन प्रोपोर्शन में लेना है. अब प्रोपोर्शन में कैसे लेंगे, देखो यहाँ नोट करो साथ में, अलग से वर्किंग नोट करना ना, 20% ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट वेजेस. और क्या नाम से करने बोला है, एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से करने बोला है. तो देखो एडिशनल फैक्ट्री ओवरहेड, तो डायरेक्ट वेजेस देखो कितना है अपना, डायरेक्ट वेजेस 30,000 है, 30,000 ठीक है. तो ये रहा, यस मैम, ठीक है. इसके प्रोपोर्शन में करने बोला है. खर्चा कितना हुआ है अपना, 10%, यानी कितना बचा, ये जो 10%, देखो प्रोपोर्शन में करने बोला है तो देखो 10% ही खर्चा हो रहा है, यानी कि ये जो 900 है, ये 900 जो आया, इसको समझो ध्यान से, इस 900 का 10% हो रहा है, यानी हम इस 10% जितना ही डायरेक्ट वेज ऐड करेंगे, यानी कितने का, 90 टन का. प्रोपोर्शन करने बोला है अनुपातिक, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन मींस ये देखो ये 900 का और 10% हुआ, यानी 90 टन का खर्चा हुआ है.